एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रखी है, आज है फ्राइडे तो मेरा फास्ट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मखाने थोड़े से घी में वो कर रही हूँ, मतलब सेक रही हूँ ताकि थोड़े से वो कुरकुरे टाइप के हो जाएँ। और इस हाथ से ना काम करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है क्योंकि हाथ जल्दी से चलता नहीं है, उल्टा हाथ पड़ता है। सीधे हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और धूप अच्छी निकल रही है। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी, मतलब जहाँ मैं 4:30 बजे 4:45 बजे उठ जाती हूँ, आज मैं 5:30 बजे उठी हूँ, आधा घंटा लेट उठी हूँ। और वो आधा घंटा ही लेट होना मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है क्योंकि फिर उसके बाद ना काम बढ़ जाते हैं। अगर मेरा जो मॉर्निंग का काम है जो मेरे से रिलेटेड है वो मैं सुबह सुबह कर लूँ तो ठीक रहता है, जैसे नहाने वगैरह का, झाड़ू पोछे का, वरना फिर वो रुक जाता है। और इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अब टाइम हो रहा है 7:30, हाँ 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था तो 7:30 हो रहे थे, तो अब लगा लो 7:45 का टाइम हो रहा होगा। और ये फ़ैन चल रहा है तो आपको शायद आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी, पर गर्मी लग रही थी इसलिए चला रखा ये फ़ैन, अभी ठीक नहीं हुआ है, जब भी आएंगे तो ही ये फ़ैन को ठीक कराएंगे। और बस यही है। और मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पे आते हैं उसे खोलते हैं तो प्लीज़ उसको पूरा वॉच कीजिए, या एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 मिनट तो प्लीज़ देखिए उस वीडियो को। मैं तो चाहूँगी कि आप पूरा देखें क्योंकि आप सिर्फ मेरे ख्याल से 30 सेकंड भी मुश्किल से वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं और कमेंट कर देते हैं, तो बहुत बहुत ठेस पहुँचती है दिल को, अच्छा नहीं लगता यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 मिनट वीडियो को देखें। और फिर लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा अगर आपको अच्छी लगे। शुरू में ही बोल रही हूँ क्योंकि शायद आप भूल जाते हैं और मैं लास्ट तक बताती हूँ तो वहाँ तक शायद कोई वीडियो देख, शायद कोई भी वीडियो नहीं देखता है, तो इसीलिए। तो हे गाइस, आ जाइए चाय पी लीजिए, चाय और मखाने। पहले मुझे नहीं पता था कि ना फास्ट में मखाने वगैरह खा लेते हैं, तो फिर ना मैं यूट्यूब पे ही वीडियो वगैरह देख रही थी, तो फिर वो देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा जो हैं उनका व्लॉग देखा था, तो वो भी लक्ष्मी जी के फास्ट करती हैं ना, तो उनको मैंने मखाने खाते वक्त देखा कि वो फास्ट में मखाने ले लेती हैं चाय के साथ, तो तब से मैं भी ले लेती, वरना पहले मैं चाय रूखी ही पीती थी। और मुझे ना फिर बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जब मैं फास्ट वगैरह रखती हूँ, तो फिर अब जब से मैंने मखाने वगैरह लेने शुरू किए हैं ना चाय के साथ ले लेती हूँ, तो तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यहाँ पे अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, सुबह से अब मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। पूरे दिन वैसे मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था, चुटमुट सा जो घर का काम होता है वही किया था, तो बस अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू छील रही हूँ, आज मैं आलू को उबाल के नहीं बनाने वाली हूँ, जो मैं आपके साथ रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, आज मैं उस तरीके से नहीं कर रही हूँ और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो बस इस जल्दी जल्दी मैं आलू को छील के और ना 2-3 पीसेज में कट करके सीधा तड़का लगाऊंगी। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनी थी, इस तरीके से भी बिल्कुल जैसे हम आलू को उबाल के सब्ज़ी बनाते हैं सेम एज इट इज़ वैसी ही लग रही थी सब्ज़ी। तो आप अगर टाइम नहीं है आपके पास और आपको उबाल के आलू की सब्ज़ी खाने का मन है तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल वही टेस्ट आने वाला है, बहुत ही यम्मी। और बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी, जैसे कि पता ही आपको फास्ट है मेरा, तो बस मैं इसमें अदरक का पेस्ट ज़रूर डालूंगी, तो बस। और मेरे पास कसूरी मेथी ख़त्म हुई पड़ी है, अभी मेरे को मार्केट जाने का टाइम ही नहीं हो पा रहा है कि मैं मार्केट जाऊं और मार्केट से जाके सामान लाऊं, एक्चुअल में ये गए हुए हैं कहीं बाहर और जब भी आएंगे तभी सारा सामान आ पाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने आलू वगैरह छील लिए हैं, अब देखिए मैं इनको इस तरीके से कट कर दूँगी और इसी तरीके से मैं इनमें तड़का लगाऊँगी। मैंने आलू को पानी में डिप करके रख दिया है, तब तक मैं एक टमाटर वगैरह भी निकाल लूँगी उनको वॉश करके, उसको वॉश करके कट कर लूँगी, साथ ही साथ थोड़ा अदरक का टुकड़ा निकाल के उसको छील के उसका पेस्ट बना लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं चक्कू लेके गई हूँ, अदरक का छोटा सा टुकड़ा कट करके उसको छील के उसे धो के अच्छे से उसका एक पेस्ट बना लूँगी, बिल्कुल बारीक पीसना है। और मेरे ना हस्बैंड को अदरक बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब
चाय में वो पी लेते हैं जब कूट के डालते हैं, पर अगर वैसे किसी सब्जी में उनके मुंह में आ जाए ना तो उनके बिल्कुल पसंद नहीं है। पर आज जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ यानी ये सब्जी बना रही हूँ तो वो घर पे नहीं थे। वैसे मैं जब अदरक डालती, मैं मोस्टली अदरक डालती ही हूँ सब्जी में, तो बिल्कुल महीन पेस्ट बना देती हूँ ताकि उसका एक भी रेशा उनके मुँह में ना आए, वरना ना वो मुँह बनाते हैं अजीब सा कि क्या है तुम्हें पता है कि मुझे अदरक पसंद नहीं है फिर भी डाल देते हो। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से उसको बहुत अच्छे से कूटती हूँ, उसे कूटने में बहुत अच्छे से टाइम लेती हूँ ताकि अदरक बिल्कुल अच्छे से कूट जाए और पिस जाए। तो बस यहाँ पे मैं उसी को कूट रही हूँ। टमाटर मैंने कट करके रखा है तो मैं सारे मसाले ना टमाटर में ही डालूँगी, जैसे कि लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ताकि कलर अच्छा सा आए, और धनिया पाउडर लिया है, और साथ ही साथ लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल इधर मेरा गर्म हो चुका था तो मैंने उसमें जीरा ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मैं हींग ऐड कर दूँगी। और फिर हींग ऐड करने के बाद जो मैंने अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और उसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च तेल में डाल रही हूँ, क्योंकि तेल में डालने से क्या होता है लाल मिर्च का कि उसका कलर अच्छा सा आता है। और जब मैंने लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च उसमें डाल दी थी, उसके बाद जो मैंने टमाटर रखे हुए थे कट करके उसी में मैंने सूखे मसाले डाले थे वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको थोड़ा सा मैं चला दूँगी टमाटर और मसालों को, और उसके बाद जो मैंने पानी किया है वो पानी इसमें डाल दूँगी ताकि मसाले अच्छे से हमारे और भुने। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो हर रेसिपी में बोलती हूँ, जब तक हम मसालों को अच्छे तक भुनेंगे नहीं तो सब्जी में ना वो स्वाद नहीं आता। ये नहीं कि आपने मसाला डाला और फटाफट से सब्जी में तड़का लगा के उसे बंद करके ढक के रख दिया और पकने दिया, नहीं। कम से कम मसाले को, मुझे, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे मसाले पकाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं तभी सब्जी का ना टेस्ट, चाहे उसमें लहसुन ना डालें प्याज ना डालें फिर भी इतनी अच्छी बनती है ना कि लोग मतलब उंगलियां चाटते रह जाएं। तो बस यहाँ हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके थे, पानी जो मैंने डाला था वो भी सूख चुका था, उसमें से तेल अलग होने लगा था। तो उसके बाद मैंने इसमें आलू जो मैंने कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है मैंने, नमक मैंने अंदाजे से डाला है क्योंकि मैं ना टेस्ट करके देख लेती हूँ कि नमक ठीक डाला है या नहीं डाला है, पर आज फास्ट है तो बिल्कुल चेक नहीं कर सकती कि ठीक है या नहीं। और पानी मैंने डाल दिया है, कुकर का ढक्कन लगा दूँगी, 2 से 3 विसल लगाऊँगी और उसके बाद गैस फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। और जब कुकर खोलूँगी तो उसके बाद जो इसके आलू है ना उसको चमचे की हेल्प से मैश कर दूँगी, तो बिल्कुल जैसे उबले हुए आलू होते हैं ना उसी तरीके की आपकी सब्जी बनके तैयार होगी। तो बस अब उधर इतने हमारी सब्जी बन रही है, तो तब तक हम रोटी के लिए या पूरियों के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा छान रही हूँ, और आजकल का ना सीज़न ऐसा चल रहा है कि जो भी चीज़ लाओ ना उसमें कीड़े पड़ने लग रहे हैं, यार कोई मुझे उपाय बताए। मैं ना 2 बार से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आटा लेकर आती हूँ और आटे में ना छोटे छोटे से कीड़े होते हैं ना वो पड़ने लग जा रहे हैं। मैंने इसको एक बार पूरी तरीके से छान भी दिया, फिर दोबारा से छान के रखा और फिर इसमें दोबारा से कीड़े पड़ गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कभी मेरे मतलब 7 साल हो गए हैं कभी मेरे आटे चावल किसी में कभी कीड़े नहीं पड़े, पर इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, जब से मुझे समझ ही नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लूँगी, मांड लूँगी और उसे फिर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इतने जो बर्तन हुए हैं उनको वॉश कर लूँगी और फिर रोटियाँ बनाएंगे हम। और ये आटा भी मेरा ऑलमोस्ट लग के तैयार हो चुका है, और आटे में ना अच्छे से मुक्की मारनी होती है, यानी अच्छे से आटे को जितना आप गूंथोगे, और मैं आटे को ना लगा के 5 से 7 मिनट रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। तो ये आटा देखिए हमारा हो चुका है, और इसको मैं 5 से 7 मिनट रेस्ट पे छोड़ दूँगी, तब उसके बाद मेरे को चाहे रोटी बनानी हो, पराठे बनाने हो, पूरी बनानी हो, तब बनाती हूँ। तो इसी तरीके से बनाती हूँ। आपको कैसा लगा ये मेरा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना यार, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, और कमेंट करना बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो बस यहाँ पर मैंने आटे को करके रख लिया है, अभी सारे बर्तन इकट्ठे कर लूँगी। और यार यही डेली के काम होते हैं, लोग कहते हैं कि क्या यही काम दिखाते रहते हैं व्लॉग में, यार जो हम घर में रहते हैं हाउस वाइफ हैं तो एक्स्ट्रा क्या दिखाएं, घर में हमारे यही काम होते हैं, थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेते हैं, थोड़े से घर के काम कर लेते हैं, तो बस इसी तरीके से हमारा पूरा दिन बीतता है। तो वही तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एक्स्ट्रा मेरे पास कुछ नहीं है। और मेरा सिंक बाहर है, बर्तन वॉश मैं बाहर करती हूँ। और जो ये मेरा किचन वगैरह बना हुआ है ना, ये किचन मेरा रूम के अंदर है, एक रूम है उसी में मैंने एक काउंटर लिया हुआ है, और उसके ऊपर मैंने एक टाइल, बड़ी वाली जो टाइल आती है ना वो मैंने लगाई हुई है, उसके ऊपर मैंने गैस रखी हुई है। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ अपने, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि आपका किचन बहुत बड़ा है, तो एक्चुअल में वो किचन नहीं है, वो एक रूम है।
तो जिसको मैंने किचन की तरह मैं यूज़ करती हूँ, उसी में मैंने अपना मंदिर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से है, और बर्तन मैं यहाँ वॉश करती हूँ। और जब मेरे पास ये भी ना DIY सिंक मैंने बनवाई थी, और ये सिंक जब मेरे पास नहीं थी तो उससे पहले मुझे बर्तन बैठ के वॉश करने पड़ते थे, और मुझसे ना बैठ के वॉश, जहाँ मैं यहाँ पे 15 मिनट में काम कर लूँगी ना बर्तन वॉश करने का, बैठ के वही काम मेरा आधे घंटे का हो जाता है। तो वही ना आदत की बात होती है। अब जो हमारी जैसे कि गांव में सब बैठ के ही ऑलमोस्ट लेडीज़ है ना, वो बर्तन बैठ के वॉश करती है, क्योंकि हमारे सामने हैं वो आंटी जी भी और उनकी बहू भी बैठ के बर्तन वॉश करती हैं, वो फटाफट कर लेती हैं क्योंकि उन्हें आदत है। और मुझे आदत नहीं पड़ी, मैं क्या करूँ, मुझे आदत नहीं पड़ी। मैंने खूब कोशिश करी, पर ऐसा नहीं है कि मैंने एडजस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। जब तक सिंक नहीं था तब तक तो बैठ के ही बर्तन वॉश करती थी, फिर मैंने थोड़ा सा ये जुगाड़ लगाया। ये जो मेरे पास ये सिंक का जो स्टैंड है, ये कूलर का स्टैंड था, तो इसको कट करवा के मैंने इसमें सिंक फिट करवाई, नलका फिट करवाया, और इस तरीके से ये मैंने अपना पूरा DIY सिंक तैयार कर लिया। और इसी में साइड में जो कट करवाया था उसी से मैंने इसमें टोकरा रखने का स्टैंड बनवा लिया, तो मेरा काम चल जाता है अच्छे से। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम तब होती है जब बारिश वगैरह होने लगती है ना, तो फिर उस टाइम बर्तन वॉश करने के लिए दिक्कत होती है कि कैसे वॉश करें। वो तो जब सिंक भी ना होती तब भी मुझे होती थी, क्योंकि बैठ के बाहर ही बर्तन वॉश करने होते थे, तो बारिश में कैसे वॉश करें, तो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज़ तो सब सही है यार। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कल मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, नई होप नई आशा नई उमंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने मेरे व्लॉग को यहाँ तक देखा उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो बाय बाय।